लखीसराय में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रामलला अयोध्या में विराजने जा रहे हैं और भारत के संस्कृति विरासत को जिन लोगों ने पिटाने का काम किया था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे गुलामी को हटाकर सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक संस्कार का पुनर्जागरण का एक संकल्प लिए हैं। और 11 दिन के इस संकल्प में हमारे माँ भारती के धरती पर जो भी मंदिर है, जो भी सांस्कृतिक हमारे पूर्वजों का सम्मान का आस्था का केंद्र बिंदु है, उसका सम्मान और स्वच्छता जहाँ है वहीं देवत्व का निवास है। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के अभियान को मजबूती प्रदान करना है। और नेता प्रतिपक्ष ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अस्वस्थ हैं, मन के अंदर उनकी गंदगी है, विकार ग्रसित हैं। हम महादेव की पूजा कर उनके मन के विकार को दूर करने का कामना की है। रामलला अयोध्या में विराजने जा रहे हैं और भारत के सांस्कृतिक विरासत को जिन लोगों ने मिटाने का काम किया था, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस गुलामी को हटाकर सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक संस्कार का पुनर्जागरण का एक संकल्प लिए हैं। और 11 दिन के इस संकल्प में आज हमारे माँ भारती के धरती पर जो भी मंदिर है, जो भी सांस्कृतिक हमारे पूर्वजों का सम्मान का आस्था का केंद्र बिंदु है, उसका सम्मान स्वच्छता और स्वच्छता जहाँ है वहीं देवत्व का निवास है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का अभियान को मजबूती प्रदान करना है और ये स्वच्छता बाहर से तो करेंगे ही, ये स्वच्छता 22 तारीख के बाद मन के अंदर जिनको गुलामी की मानसिकता में विकारों से ग्रसित है उनको भी स्वस्थ रखने का और स्वच्छ बनाने का अभियान चलाएंगे। आरजेडी नेताओं